इंदौर जिले की सावेर विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर के उपचुनाव के लिए मतदान दलों को सोमवार को नेहरू स्टेडियम में मतदान सामग्री दी गई। सुबह से यहां मेले जैसा दृश्य था। मतदान दल में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों को चुनाव के लिए ईवीएम और अन्य सामग्री प्रदान की गई। यहां 39 खिड़कियों के माध्यम से 380 मतदान दलों को मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया। मतदान सामग्री का वितरण मतदान दलों को कुर्सी टेबल पर बैठा कर किया गया। 39 कतारों में 380 टेबल और मतदान कर्मियों के लिए प्रत्येक टेबल पर 4-4 कुर्सी लगाई गई थी। सामान्य प्रेक्षक रूपवंत सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने सामग्री वितरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना को देखते हुए मतदान केंद्रों के लिए गठित विशेष दलों को मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर सामग्री वितरित की गई। सावेर विधानसभा में कुल 380 मतदान केंद्र है, लेकिन आपात स्थिति के लिए 30% अतिरिक्त मतदान दल भी लगाए गए हैं, मतदान दल भी बनाए गए हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए 39 सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। दीपक सिंह के साथ अभिजीत सिंह, इंदौर ब्यूरो, राकेश सच्चर की रिपोर्ट। बाहर की टीम में जो कोविड के प्रबंधन मैनेज करेगी वो टीम है, और सामने वाली बस में, मुख्य बस में पोलिंग पार्टी है, उसमें जिसमें कि GPS लगा हुआ है, पुलिस बल वगैरह सब साथ में है इनके। और जैसा आप देख रहे हैं कि अधिकांश हमारे सेक्टर्स के सब सामग्री चेकिंग ऑप्स लगी थी, उसमें 1-2% ऐसा रहा होगा जो कर्मचारी नहीं आ पाए थे, उनकी लिस्टिंग हम लोगों ने कर ली है। ऐसे ही जो मतदान दलों में जो लोग आए थे उसमें भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 1% के अंदर ही है, उनकी लिस्टिंग भी चुनिंदा जो 20-25 लोग हैं उनकी सूची भी हम लोगों ने बना ली है और देखेंगे। और उसमें जेन्युइन रीज़न था उनका, कोई पहले से उनका एग्जेम्पशन हुआ था या कुछ नहीं सूचना के बाद, और ऐसे केसेस जो सूचना के नहीं दी है, जिनका कोई एग्जेम्पशन नहीं है और वैलिड रीज़न नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर क्या अतिरिक्त कोई सुरक्षा रखी गई? 119 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इन संवेदनशीलता में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की वरी लिस्ट है, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की वरी लिस्ट है, उसको भी हम लोगों ने शामिल किया हुआ है। ये 89 लोकेशंस पे 119 पोलिंग स्टेशन हैं। यहाँ पर अलग से CPF का डिप्लॉयमेंट होगा, CPF और SAF का। वहाँ सभी जगहों पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जा रहे हैं, सभी जगह पे वेबकास्टिंग या CCTV से कवर किया जा रहा है। तो ये सारे जो फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं, इन सबको हम लोगों ने सभी इस क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में दिया है। सामान्य तौर पर 1-2 फोर्स मल्टीप्लायर यूज़ करने के निर्देश हैं, पर जो 3 रहता है, एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाना, नंबर 2 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाना, नंबर 3 वेबकास्टिंग या CCTV से कवरेज करना। 18 से 19 साल के वोटर्स थे और 19 से 20 से 29 साल के वोटर्स थे। इसकी संख्या जो हम लोगों का एक एज कोहर्ट होता है, उसके प्रतिशत को हम लोगों ने जब तक नाम जोड़ सकते थे तब तक हम लोगों ने प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया था। उसके बाद से जब 6 तारीख को लास्ट डेट थी, उसके बाद से मतदाता मतदान अधिकार का प्रयोग करें, और कोविड के सुरक्षा के जो प्रबंध हम लोग मतदान केंद्रों के बाहर कर रहे हैं, ये 2 चीज़ पे स्वीप की गतिविधि हुई थी। ये दोनों इसलिए हुई थी ताकि मतदाताओं को ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकें कि मतदान केंद्रों पे अगर वे आते हैं तो जैसा उनके घर में सुरक्षा है कोविड को लेकर के, उसी तरह की सुरक्षा हम लोगों ने मतदान केंद्रों में की है, और इसमें मतदान किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। और हम लोग उसमें जो हमारी टीम लगी थी, चाहे पंचायत की टीम लगी हो, चाहे नगर निगम की, चाहे नगर पंचायत की, सभी अधिकारियों ने अच्छी मेहनत करके अच्छे पोलिंग स्टेशन में बाहर व्यवस्था की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मतदाताओं को बाहर निकलना चाहिए सभी को, और अच्छी जो प्रतिशत रहता है यहाँ का, अच्छा प्रतिशत रहता है मतदान का, सभी लोग निकलें, सभी लोग अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें। पूरी सुरक्षा है पोलिंग स्टेशन में, और सभी सुविधाएं हम लोगों ने मुहैया करा दी हैं। आज से सब सुविधाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। सावेर विधानसभा क्षेत्र हैं, जो वहां के मतदाता नहीं हैं और जो चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, उनको सबको बाहर किया गया है। निर्देश रहते हैं, सभी को मालूम भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी लोग बाहर गए भी हैं। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कोई अगर कोई बाहर के व्यक्ति वहाँ मतदान प्रचार कर रहा हो, ऐसी कोई अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सर, ईवीएम वगैरह की शिकायतें मिली? एक शिकायत आई थी, उसमें टीम भेजी थी, और उसमें ये ज्ञात नहीं हुआ कि क्या सामग्री कौन बांट रहा है, क्या बांट रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ कुछ उसमें। सर, ईवीएम जो इसमें गड़बड़ी होती है, या मतलब जैसे कोई ख़राब होती है मतदान के दौरान, तो उसको रिप्लेस करने की क्या व्यवस्था है? कितने सेंटर बनाए गए, कितनी देर में रिप्लेस हो जाएगी? सभी सेक्टर में स्टेट्स को हम लोगों ने 2-2 ईवीएम दी है। पुलिस बल के साथ में 2 ईवीएम मशीनें उनके साथ में रहेंगी। एक सेक्टर ऑफिसर के पास में 8-10 पोलिंग स्टेशन होते हैं, कुछ के पास चुनिंदा के पास 11-12 भी हैं, वो उससे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेट उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास भी है जो उसको भरवाना होता है। क्या व्यवस्थाएं की गई थी भैया? आज 380 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं,
5:30 बजे स्ट्रांग रूम पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों के समक्ष खोला गया था और सभी टीम्स यहाँ 5:30 बजे जो सामग्री वितरण की है वो आ चुकी थी और पोलिंग टीम्स को हम लोगों ने 7 बजे बुलाया था और कोविड की टीम्स को 8 बजे बुलाया था। तो चूँकि मतदान सामग्री वितरण में जो पोलिंग टीम्स को ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ती है सामग्री की, वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए उन्होंने 1.5 घंटे में सभी ने अपना निरीक्षण करके और बसेस में भी हम लोगों ने इस बार कोविड के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी दूर दूर बैठाया है और हर रूट पे 2 बसेज जा रही हैं। एक पीछे की बस में जो कोविड वाली मतदान केंद्रों की बाहर की टीम है जो कोविड के प्रबंधन मैनेज करेगी वो टीम है और सामने वाली बस में मुख्य बस में पोलिंग पार्टी है उसमें जिसमें कि GPS लगा हुआ है, पुलिस बल वगैरह सब साथ में हैं इनके। और जैसा आप देख रहे हैं कि अधिकांश हमारे सेक्टर्स के सब सामग्री चेकिंग ऑप्स लगी थी उसमें 1 या 2% ऐसा रहा होगा जो कर्मचारी नहीं आ पाए थे, उनकी लिस्टिंग हम लोगों ने कर ली है। ऐसे ही जो मतदान दलों में जो लोग आए थे उसमें भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 1% के अंदर ही है, उनकी लिस्टिंग भी चुनिंदा जो 20-25 लोग हैं उनकी सूची भी हम लोगों ने बना ली है और देखेंगे उसमें जेन्युइन रीज़न था उनका, कोई पहले से उनका एग्जेम्पशन हुआ था या कुछ नहीं सूचना के बाद, और ऐसे केसेस जो सूचना के नहीं दी है जिनका कोई एग्जेम्पशन नहीं है और वैलिड रीजन नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर क्या अतिरिक्त कोई सुरक्षा रखी गई? 119 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इन संवेदनशीलता में जो पॉलिटिकल पार्टीज की वरी लिस्ट है, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की वरी लिस्ट है उसको भी हम लोगों ने शामिल किया हुआ है। ये 89 लोकेशंस पे 119 पोलिंग स्टेशन हैं। यहाँ पर अलग से CPF का डिप्लॉयमेंट होगा, CPF और SAF का। वहाँ सभी जगहों पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जा रहे हैं, सभी जगह पे वेबकास्टिंग या CCTV से कवर किया जा रहा है। तो ये सारे जो फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं इन सबको हम लोगों ने सभी इस क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में दिया है। सामान्य तौर पर 1 या 2 फोर्स मल्टीप्लायर यूज़ करने के निर्देश हैं, पर जो 3 रहता है एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाना, नंबर 2 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाना, नंबर 3 वेबकास्टिंग या CCTV से कवरेज करना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।